आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 28 अक्टूबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आदेश पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश त्यागी को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ने योगेश त्यागी पर लगे कर्तव्य पालन में लापरवाही के आरोपों की जांच का भी निर्देश दिया है। यह कदम ऐसे वक्त में आया है जब इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में सत्ता संघर्ष चल रहा है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि योगेश त्यागी पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके, इसके लिए यूनिवर्सिटी के विजिटर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें निलंबित कर दिया है। इससे वे सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने में सक्षम नहीं रहेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि पिछले हफ्ते पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के 20 लाख से अधिक नए मामले सामने आए। महामारी आरंभ होने के बाद यह सबसे कम समय में इतनी तेजी से बढ़े मामले हैं। कोविड-19 के साप्ताहिक विश्लेषण में WHO ने कहा कि लगातार दूसरे हफ्ते यूरोपीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा अनुपात में नए मामले सामने आए हैं। यहाँ 13 लाख नए मामले सामने आए हैं, जो पूरी दुनिया के नए मामलों का 46% है। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि यूरोप में मरने वालों की संख्या भी बढ़ी है। पिछले हफ्ते की तुलना में मृतकों की संख्या में लगभग 35% की बढ़ोतरी हुई है। WHO ने कहा कि हालांकि मरने वालों की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन महामारी के शुरुआती चरण से तुलना करें तो मामलों की संख्या की तुलना में मृतकों का अनुपात अपेक्षाकृत कम है। एजेंसी ने कहा कि यूरोप के 21 देशों में कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती होने और ICU में भर्ती होने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। WHO ने कहा कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मामले आने वाले देशों में भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील और ब्रिटेन बने हुए हैं। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे विशालकाय पक्षी के जीवाश्म की पहचान की है जो लगभग 5 करोड़ साल पहले पाया जाता था और जिसके पंख 21 फीट लंबे होते थे। अंटार्कटिका से 1980 के दशक में बरामद जीवाश्म दक्षिणी समुद्रों में विचरण वाले पक्षियों के एक विलुप्त समूह के सबसे पुराने विशालकाय सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुलनात्मक रूप से समुद्र के ऊपर विचरण करने वाले पक्षियों में वांडरिंग अल्बाट्रॉस को सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी कहा जाता है और इनके पंख सभी परिंदों में सबसे ज्यादा लंबे यानी 11.5 फीट तक फैल सकते हैं। पेलेगोर्निथिड कहे जाने वाले पक्षियों ने आज के अल्बाट्रॉस की तरह एक स्थान को भरा और कम से कम 6 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी के महासागरों में व्यापक रूप से यात्रा की। जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार एक दूसरा पेलेगोर्निथिड जीवाश्म जो जबड़े की हड्डी का हिस्सा है लगभग 4 करोड़ साल पहले का है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि दीपावली पर्व के मद्देनजर दिल्ली सरकार 3 नवंबर से पटाखा विरोधी अभियान आरंभ करेगी। उन्होंने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्थिति की गंभीरता पर विचार करते हुए लोगों से पटाखे नहीं जलाने का आग्रह किया। मंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के 2018 में आए आदेश के अनुसार इस दीपावली पर सिर्फ हरित पटाखे ही बनाए, बेचे और उपयोग किए जा सकेंगे। मंत्री ने कहा कि पटाखों और पराली जलाने से निकलने वाला धुआं प्रत्येक वर्ष दिल्ली की हवा को खतरनाक बना देता है। पटाखा विरोधी अभियान के तहत दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और शहर पुलिस के 11 विशेष दस्ते पटाखा निर्माण इकाइयों का निरीक्षण करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई पुराना स्टॉक तो नहीं बचा है। 28 अक्टूबर का दिन बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए भी रहा। इस दौरान विपक्ष के नेताओं ने मुंगेर में हुई फायरिंग की घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर ले लिया। इनमें सबसे आगे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव का नाम है। तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर क्या कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी क्या कर रहे थे, उनकी राज्य में डबल इंजन की सरकार है, क्या उनके पास इसकी जानकारी नहीं है। यह दिखाता है कि मुंगेर में हुई घटना में उनकी क्या भूमिका थी। कोरोना काल में हो रहे सबसे बड़े चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 16 जिलों की 71 सीटों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। इस चुनाव में भाग्य आजमा रहे कुल 1066 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने EVM में कैद कर दिया।
कोरोना के कारण इस चुनाव में काफी एहतियात बरती गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन कराया गया। बिना मास्क के मतदान करने आए मतदाता को वोट देने की अनुमति नहीं दी गई। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दें तो कुल मिलाकर पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न हुआ। लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने के लिए मतदाताओं में उत्साह देखते ही बन रहा था। मतदान केंद्रों पर प्रत्येक आयु के मतदाताओं की लंबी कतारें दिखी। सबसे ज्यादा उत्साह पहली बार मतदान कर रहे मतदाताओं में था। उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 19 से अधिक मतदाता घरों से बाहर निकले और अगले 5 साल उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा इसका फैसला ईवीएम की बटन दबाकर दे दिया। हरियाणा के बल्लभगढ़ में बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा की हत्या के पीछे लव जिहाद का मामला होने से मुख्य आरोपी तौसीफ के परिवार ने इनकार किया है। हालांकि उन्होंने दोषी को कड़ी सजा देने की बात कही है। मुख्य आरोपी तौसीफ के चाचा और बहुजन समाजवादी पार्टी नेता जावेद ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि इस घटना में लव जिहाद का कोई भी मामला नहीं है, लेकिन जो भी दोषी है उसे कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि गलत काम करने वाला किसी का बेटा नहीं होता, वो सिर्फ एक अपराधी होता है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद या धर्म परिवर्तन, ऐसी बातें वो लोग कर रहे हैं जिन्हें धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है। बसपा नेता ने कहा कि वे उस परिवार से संबंध रखते हैं जहां हिंदू भाइयों का ज्यादा सहयोग रहता है। उनका परिवार सारे धर्मों की इज्जत करने वाला परिवार है। आज जो कुछ भी लोग कह रहे हैं वो सही है और उनमें गुस्सा है, मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। कोरोना संक्रमण की ट्रेसिंग के लिए आरोग्य सेतु ऐप को सरकार की तरफ से आवश्यक टूल करार देते हुए कोरोना वायरस के खिलाफ इसे एक बड़ा हथियार माना गया। लाखों भारतीयों ने इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड किया, लेकिन अब इस ऐप को लेकर एक सस्पेंस निर्मित हो गया है कि आखिर इसे किसने बनाया। एक तरफ जहां आरोग्य सेतु वेबसाइट में यह कहा गया है कि इसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की तरफ से तैयार किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सूचना के अधिकार के तहत दोनों ने इस बात से इनकार किया है कि आखिर इस ऐप को किसने डेवलप किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक केंद्रीय सूचना आयोग ने आरोग्य सेतु ऐप बनाने पर जानकारी न होने को लेकर सरकार को नोटिस जारी किया है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 79,90,643 पहुंच गई है। इसमें से वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 6,11,769 है, जबकि 72,57,444 मरीज अब तक इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 1,20,067 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के सक्रिय मामलों की संख्या जिन राज्यों में 20,000 से अधिक हो गई है उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1,31,544 सक्रिय मरीज हैं। इसके बाद केरल में 92,163 सक्रिय मरीज, कर्नाटक में 71,330, पश्चिम बंगाल में 37,172, दिल्ली में 27,873, तमिलनाडु में 27,734, आंध्र प्रदेश में 27,300, उत्तर प्रदेश में 26,267 और छत्तीसगढ़ में 21,693 मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से बुधवार 28 अक्टूबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 29 अक्टूबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में YOUTUBE.com इसके बाद डॉट लगाकर COM YouTube.com आप खोलेंगे, YouTube आपका खुल जाता है। YouTube में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा।
लॉग इन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है, इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन बेल जो है बेल को आप पुश करिए, बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आपका आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा ये खुल गया, इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें बुंदेली लोकगीत हास्य साइन न्यूज़ कार्टून्स वेदर अपडेट ऑडियो बुलेटिन लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है वीडियो न्यूज़ रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए स्पेशल रिपोर्ट कविताएँ सिटीजन रिपोर्टिंग आर्किटेक्चर डेली न्यूज़ अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़ मीडिया मीमांसा हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ ऑडियो बुलेटिन मौसम के अपडेट स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है बेल आइकॉन आपने पुश किया है इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।